हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट, जो आपको बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैंने चैप्टर का नाम लिखा है जो ट्वेल्थ बोर्ड देना चाहते हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप एनसीईआरटी के अनुसार देखिएगा तो आपको दो चैप्टर मिलेगा उसमें। एक तो मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर पहला, और दूसरा मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसको हम लोग एक में रखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम दिए हैं। और नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट से मिलाकर 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, 16 मार्क्स का है। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड मैग्नेटिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं चैप्टर नंबर 4, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इसमें चैप्टर 4 भी है और मैग्नेटिज्म चैप्टर 5 भी है। इंडक्शन हो गया चैप्टर नंबर 6 और अल्टरनेटिंग करंट हो गया 7, चैप्टर नंबर 7 हो गया। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स और एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट से 17 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ये दोनों बहुत बड़ा चैप्टर है, ये और ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इन सभी में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और कठिन भी है ना। तो सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत छोटा टॉपिक है, और ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स में आपको दो बातें आती हैं। एक तो आती है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग रे ऑप्टिक्स बोलते हैं, और एक होती है वेव ऑप्टिक्स। तो इसमें दोनों इसमें है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये आता है 18 मार्क्स का। यही बच्चों को अच्छा मार्क्स दिलाता है, यानी यही पास कराता है बच्चों को। क्लियर है? उसके बाद है आपको ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर और एटम्स एंड न्यूक्लियाई। यहां पर है एटम एंड न्यूक्लियाई और यहां पर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और इसको मिलाकर 12 नंबर का पूछता है, 12 मार्क्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस 7 मार्क्स का पूछता है। टोटल हो गया 16, 17, यहाँ पर 18 और 12, 7, 70 मार्क्स का थ्योरी पूछती है। और थ्योरी में क्या क्या है? थ्योरी में आपको ऑब्जेक्टिव्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव में मार्क्स लाना कठिन होता है, इसीलिए कि जो आप गेस करके जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव में पकड़ नहीं पाते आप। 2 मार्क्स वाला भी कठिन होता है। सबसे आसान होता है वेरी लॉन्ग वाला, जो 4 मार्क्स 5 मार्क्स का जो होता है वो सबसे आसान होता है, क्योंकि उसको आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये पूछेगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो सकता है फ्लक्स गॉस लॉ, ये आ सकती है कि गॉस लॉ क्या है, इसको डेराइव करें, होलो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, ये सारी बातें आ सकती हैं। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी है तो किरचॉफ लॉ क्या है, मीटर ब्रिज क्या है, सर्किट दे देगा और कहेगा कि इसको सोल्व करके बताइए। तो हर चैप्टर में 5 क्वेश्चन हैं जो बहुत लॉन्ग है, वेरी लॉन्ग है। उसमें से कोई ज़्यादा चांस है कि 3 को चांस रहता है कि 3 क्वेश्चन कोई आ सकता है, और वहीं आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन कैचअप करना काफ़ी आसान है। सबसे मुश्किल काम है ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करना, या 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना। तो मैंने ये बताया है, वेटेज बताया है कि प्रत्येक चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो इस चैप्टर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी से 16 मार्क्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स और एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट से 17 मार्क्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑप्टिक्स मिलाकर आपको 18 मार्क्स, ड्यूअल नेचर और रेडिएशन एंड मैटर्स
और एटम न्यूक्लियाई मिलाकर 12 मार्क्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलाकर 7 मार्क्स, टोटल मार्क्स। ओके,